आज पहले ये पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. लिख लिया आपने. हाँ अभी करते हैं एक बार, लिखो एक बार. अभी आज तो सिर्फ अपन कैसे दिखता है और कैसे काउंट करते हैं वो सीखेंगे, फिर तुमको इनऑर्डिंग में जयसपाल सर बताएंगे वो क्यों बनता है ना, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है. जैसे अपन सिंपल पहले सबसे पहले स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन लोएस्ट मॉलिकुलर मास हाइड्रोकार्बन कौन सा है बताओ, मीथेन. और मीथेन में ये जितने बॉन्ड हम शो कर रहे हैं इन सब बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स. ये जो सिंगल लाइन से शो करते हैं ना ये सब सिग्मा बॉन्ड है. बॉन्ड है तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हमने, चार सिग्मा बॉन्ड बनाए. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट इथेन ले लूं, यानी एक कार्बन एल्केन में और बढ़ा दूं, बोलो इसमें कितने हैं, सात. वेरी गुड, सात कैसे हुए समझे आप, ये कार्बन कार्बन वाला भी तो होगा हमारा, तीन ये हो गए. मैं पूछूं कितने कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, छह हो गए. और सिंपल पूछूं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सात. नंबर में सब काउंट होंगे. ठीक है, ऐसे अगर मैं आपको ये साइक्लोप्रोपेन में पूछूं तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स नाइन होंगे ना. हाँ नाइन कैसे हो रहे हैं समझ में आ रहा है आपको, ये क्योंकि हम वैलेंसी ड्रॉ करेंगे ना उसकी, तो बताओ इसमें कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, छह है ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो छह तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए और तीन कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गए, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, नाइन सिग्मा बॉन्ड. बना उसको पहले एक बार. आजकल कोटा में वो ब्लिंकिट स्टार्ट हो गया, ब्लिंकिट पता है तुमको, ब्लिंकिट क्या है, मतलब ग्रॉसरी का कुछ भी डिलीवरी, हाँ मतलब सामान की डिलीवरी वैसे तो ठीक है ना. तो अरे यार बात ब्लिंकिट की चल रही है, तुम डाउट कितने बिलियन की कंपनी की बात हो रही है तुम. हाँ ब्लिंकिट किसकी है, जोमेटो की. और जोमेटो का सीईओ कौन है, शार्क टैंक में था ना वो, क्या नाम था बंदे का, दीपेंद्र गोयल. और दीपेंद्र गोयल का विजन पता है क्या है, वो जोमेटो को 100 बिलियन डॉलर की कंपनी बनाना चाहता है. 100 बिलियन डॉलर मतलब एक बिलियन मतलब हो गया 8,000 करोड़ हो गए रफली, तो 10 बिलियन हो गए 80,000, 8 लाख करोड़. 8 लाख करोड़ मतलब रफली रिलायंस की रिफाइनरी से भी ज़्यादा हो गया. और वो पता है आपको 90% ऑफ द जोमेटो का जो ऐप है उसकी जो कोडिंग है वो खुद करता है. हाँ वो एड्स जो बहुत इनोवेटिव ऐड आते हैं जोमेटो के वो खुद करता है, मतलब वो पूरा उसका 90% ऑफ द एनर्जी जो है वो टेक्नोलॉजी पे जाती है, उस टेक्नोलॉजी से ही वो पूरी बिजनेस खड़ा कर रहा है. वो उस पर नहीं जाती कि भाई ये मार्केटिंग में उसको लिया हो, उसको लाओ, ये करो वो करो, वो तो उस प्रोडक्ट को ही इतना बढ़िया बनाता है और नोटिफिकेशन इतने शानदार आते हैं उसके, तो उसने जोमेटो बनाया. फिर जोमेटो के बाद एक डंजो करके, डंजो डंजो स्टार्टअप है बेंगलोर में, वो 10 मिनट में डिलीवरी करता है ऐसे, 10-15 मिनट में है ना डंजो. वो क्या करता है, आपको कुछ भी चाहिए जैसे आप नोटबुक घर पे भूल गए, आप डंजो को बोलो, अगर आपका मतलब लॉक नहीं है रूम तो वो ले आएगा तुरंत. या आपको चाहिए कि भाई जूस वाले से एक जूस चाहिए अपने को, या सामान चाहिए ग्रॉसरी का, तो 15 मिनट में वो ले आएगा. और डंजो की जो सबसे डिलीवरी थी ना, सबसे शॉर्टेस्ट डिलीवरी क्या थी उसकी, शॉर्टेस्ट डिलीवरी थी शायद 10 स्टेप की,
मतलब एक आदमी फर्स्ट फ्लोर पे बैठा है और डंजो पे कह रहा है कि मेरे को केक भिजवाना जरा, नीचे ही बेकरी थी तो नीचे से बेक ऊपर ला के दे दिया, ऐसे कोई चाबी भूल जाए वैसे भूल जाए। तो वो ब्लिंकिट जो है जोमेटो का ही दूसरी कंपनी है जो ग्रॉसरी डिलीवरी करती है कम समय के अंदर। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये सारी कंपनी जो खड़ी हुई है उसके पीछे उस दीपेंद्र गोयल का रोल है, और वो इतना स्मार्ट है कि वो सब टेक्नोलॉजी जानता है। अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं जानता ना तो वो लोगों को हायर करता है ना, फिर वो लोग अपने साथ वो उनको बोलता ऐसा कर वैसा कर। लेकिन एक तो खुद करना, खुद जानना, जिस पे पूरा उनका बिजनेस बेस्ड है, तो वो कितने अच्छे से कर पाता है देखो। तो ये पावर ऑफ इंजीनियर है। पैसा कोई लिमिट ही नहीं है पैसे की, हम ऐसे ही सोचते रहते हैं 50,000, 10,000, 20,000 ये हो जाए वो हो जाए। एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हो। कहीं भी कुछ एजुकेशन में पैसा डालने का मौका मिले ना जब ग्रोइंग एज में, हमेशा डालना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे मान लो आपको कोई कोर्स करना है, फॉर एग्जांपल अभी तो क्या 12th तक फर्स्ट ईयर में गए, सेकंड ईयर में गए, कोई AI का नया कोर्स है आपको करना है, तो आपको एनर्जी उसमें नहीं लगानी है कि यार ढूंढ रहे हो कि यूट्यूब पे कहाँ फ्री है वहाँ कहाँ फ्री है। अगर वो 500,000 मिल रहा है तो खरीद लो उसको और आराम से तसल्ली से देखो, अपनी एनर्जी वहाँ की वेस्ट करनी है, क्योंकि पता नहीं उस कोर्स से हम क्या सीख जाएं और उस एप्लीकेशन से पता नहीं क्या बना जाए। तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। पता नहीं एक इन्वेस्टमेंट कितना बिलियन डॉलर में कन्वर्ट हो सकता है सीखने वक्त। तो टाइम की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए ना। तो 100 में से 99 लोग कैसे होते हैं, फ्री ढूंढते रहते हैं, चाहे वो पता ही नहीं हो फ्री कैसा क्या है। लेकिन जो क्वालिटी वाला आदमी होगा ना वो ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं करेगा अपने को, उसको पता है कि भाई मेरे तो क्वालिटी है, मेरे पास तो लोग ढूंढते हुए आएंगे। तो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना है, मैं कभी पीछे नहीं हटना है, हमेशा इन्वेस्ट करना है, समझ गए। तो जैसे मैं शुरू में दिल्ली में पढ़ाना स्टार्ट किया ना फिटजी में, तो मेरे को सैलरी मिलती थी हर महीने। तो जैसे मेरे को सैलरी मिलती थी ना, उसमें से मैं 2,000 रुपये की बुक्स खरीदता था। तो 2,000 रुपये की बुक्स मैं कैसे खरीदता था, ऐसा नहीं खरीदता था कि भाई कौन सी अच्छी किताबें हैं। तो वहाँ एक मिश्रा बुक डिपो था साउथ दिल्ली के अंदर, मैं वहाँ जाता और वहाँ जाके मैं मिश्रा जी बोलता, मिश्रा जी कौन सी किताबें आ गई है। फिर जी पूरी केमिस्ट्री पढ़ाते थे ना, ऑर्गेनिक फिजिकल इकोनॉमिक्स सब पढ़ाते थे। तो वो बोलते थे ये किताबें आई है अभी, मैं चलो दे दो मेरे को, ठीक है। फिर मिश्रा जी के पास किताबें ख़त्म हो गई केमिस्ट्री की, ठीक है। तो फिर मैं गया चांदनी चौक, चांदनी चौक सुना है दिल्ली में, वहाँ पर ना ऐसा रोड पे किताबें रहती बहुत सारी। तो वहाँ एक बुजुर्ग लेडी बैठी थी और वो पुरानी पुरानी किताबें बेच रही, और वो एक आता ना वो मक्खी मारने वाला एक वो लेके बैठी थी, ऐसे मार जा रही थी ऐसे, तो ऐसे डिफेंस बुक्स का बनाया था उसने। तो वहाँ है ना मैंने 3-4 बुक्स खरीदी है ना, बहुत सस्ती दी उसने, 100-100 रुपये लिए होंगे शायद, 100 रुपये मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सस्ती। उसमें से एक किताब थी जिसका नाम था गिसमैन, वो किताब थी रशियन ऑथर की, एक रशियन ऑथर ये आते ना इरुडो ये सब रशियन ही तो हैं, सारा लिटरेचर रशियन आता है, लेकिन वो रशियन से इंडिया में एक आदमी ने उसकी लैंग्वेज कन्वर्ट की थी और कन्वर्ट की, लेकिन वो बुक चली नहीं। लेकिन उस बुक के अंदर वो फिल्डक्राफ रिएक्शन होती है अपने सिलेबस में, इतना बढ़िया एक्सप्लेन कर रखा था कि वैसा एक्सप्लेनेशन मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। उस किताब से मैंने बहुत कुछ सीखा और वो किताब सिर्फ 100 रुपये की थी। तो कहानी का मतलब समझे तुम, कि अगर मैं जाता और उसको बोलता कि अरे यार ये क्या इतनी सारी किताबें, पहले ये तो पढ़ लूँ, कोई बात नहीं मौका मिलेगा तो कभी किसी से कुछ पढ़ा किसी से कुछ पढ़ा। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक 500 रुपये की किताब थी, 500 रुपये की महंगी किताब थी और वो जेरोक्स थी, किताब ही नहीं थी जेरोक्स। मिश्रा जी ने बोला कि जेरोक्स आई है नई, मैंने कहा यार नई जेरोक्स है, मैं सोच में पड़ गया, मैं यार नई खरीद लेते बुक ही खरीदते ना, जेरोक्स क्यों खरीदेंगे यार, हम तो कभी कभी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो अच्छा ही पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा बुक तो ओरिजिनली 10-12 हज़ार की आती है, तो मैं जेरोक्स काफ़ी अच्छी लग रही है, आप मेरे को जेरोक्स दे दो आप मेरे को। अब 10-12 हज़ार तो फिर कैसे हो पाएगा ना, फाइनेंशियली भी तो बहुत दिक्कत हो जाती है, पैसे ही नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा मैंने जेरोक्स बढ़िया अच्छी है, बोले मैंने IIT दिल्ली है सामने वहीं से जेरोक्स करके मंगवाई है। उस बुक का नाम था एटकिंस लॉरेंटो, एटकिंस की 60 बुक्स आती है, 60 किताबें आती है। उस एटकिंस लॉरेंटो में इतना बढ़िया फिजिकल केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर रखा था और गैसेस स्टेट तो इतना गजब एक्सप्लेन किया था कि एक प्रेशर की डेफिनेशन उसने लिख दी ना, उससे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो उससे मैंने इतना मतलब वो कॉन्सेप्ट सीखा उससे, उस जेरोक्स वाली किताब से। वो धीरे धीरे बाद में तो जेरोक्स ही उसके फेड हो गए। तो क्या सीखा तुमने कहानी से, कि एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, समझ गए, उसमें पीछे नहीं हटना है, ठीक है। पैसे बचाना है तो और कहीं बचा लेना, आगे तुम्हारी शादी होगी वहाँ बचा लेना, शादी में मान लो तुमको
सोना खरीदना है फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड खरीदना पड़ेगा ना भाई, तो अपनी वाइफ को डोनेट करोगे ना वैसे, तो वाइफ के लिए मान लो 1 किलो सोना खरीदना है तो 900 ग्राम खरीद लेना, बोल देना राउंड ऑफ में 1 किलो गिफ्ट दिया ऐसे, वहाँ कहीं बचत कर लेना। कहीं फ्लाइट में जा रहे हो है ना, तो इकोनॉमी क्लास में चले जाना सबसे सस्ते वाले में, या पहले टिकट बुक कर लेना, वहाँ पैसा बचा लेना, वहाँ वो वेस्टेज ऑफ मनी है। कि होटल में ठहर रहे हो तो कोई कूपन वूपन लेके क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स वगैरह से वहाँ ऐसा यूज़ कर लेना, तो बहुत जगह पैसे बचाने के मौके मिलेंगे, वहाँ बचा सकते हो, लेकिन एजुकेशन में नहीं बचाना है। समझ गए, अब आगे बढ़ो। तीनों एग्जाम्पल हो गए, अब फोर्थ में ये बताओ, अगर मैं तुम्हें ये डबल बॉन्ड बना के दे दूं, इसमें मुझे बताओ कि कितने सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं और कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं। चार सिग्मा है ना भाई, और ये एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा पाई। तो जब भी ये डबल बॉन्ड होगा इसका क्या मतलब है, एक सिग्मा और एक पाई। ऐसे ही जरा मुझे बताओ कि अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसका क्या मतलब है, ये सिग्मा और ये ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो सिग्मा और बाकी के क्या होंगे पाई, ये होगा ना हमारे पास। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपको SCN बना के दूं तो बताओ इसमें कितने सिग्मा कितने पाई। ये सिग्मा और ये सिग्मा, दो सिग्मा हुए ना भाई, और पाई कितने हुए, एक दो सॉरी हाँ एक सिग्मा और रिमेनिंग क्या होंगे पाई, ये होगा ना। अब ऐसे ही अगर मैं तुम्हें बेंजीन बना के दे दूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। आंसर सोच के आंसर दो, सही गलत कोई बात नहीं, कितने हुए सिग्मा, 12 होंगे ना इसमें, 12 कैसे, पहले आप ये बताओ ये बेंजीन में ये जो अपन सर्किल बनाते हैं इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है ना, इसका मतलब है आपको अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड बनाना है, ये समझ में आ गया। अब आपको ये बेंजीन में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 6, तो सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा, तो 6 तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हुए, तो क्या टोटल आंसर 6 ही होगा क्या, फिर ये हाइड्रोजन भी तो है इसके पास, यानी 6 तो होंगे कार्बन कार्बन और 6 होंगे कार्बन हाइड्रोजन, तो बताओ टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, बेंजीन में हुए 12 सिग्मा, और पाई कितने हैं बताओ, 3 पाई। समझे आप, बनाओ जरा, लिख लिया भाई सबने, चारों एग्जांपल बना लिए। अब आप काउंट कर लोगे ना सिग्मा एंड पाई, अब एक सिंपल टेबल बना लो, सिंपल यहां पे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, और यहां पे आपको बनाने ये सिग्मा बॉन्ड को सिग्मा से इंडिकेट करते हैं और पाई बॉन्ड को पाई से इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बनाने और नंबर ऑफ पाई बनाने। पहले 5 डिस्कस करें, पहले 5 डिस्कस करें एक बार, पहले 5 कर लो एक बार, 5 हो जाए बताना।
हो गया पांच। क्या आंसर रहा फर्स्ट का? 9 सिग्मा है ना, और पाई कितने रहे? 2 पाई। सेकंड का 9 सिग्मा और 2 पाई, क्योंकि यहाँ पे सी एस टू होंगे ना, सी एस टू और फिर तो 4 बॉन्ड हो गए, सी एच टू। फोर तो यही हो गए, फिर 5 6 7 7 और फिर यहाँ पे एक CH8 9। सही है ना, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है अपने को पूरी। थर्ड कितना आएंगे? 14 एंड 15 आएंगे ना, 15 आ रहे हैं। फोर बताओ, सिर्फ 7 25 आएंगे ना। हाँ 25 और 0। भाई ये CH3 है ना, 3 तो यही रहे, 3 3 तो 3 6 18 तो यही हो गए हमारे, कौन से CH3 है ना, 18 के बाद फिर ये 19 20 21 22 23 24 25 है ना, कार्बन है ना, लेकिन वो बॉन्ड थोड़ी है, बॉन्ड तो वो कार्बन बनाएगा ना, ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा ना उसके साथ। हाँ भाई समझे आप, तो कितने लोगों का आया 25? बाकी लोगों का ज़्यादा आया कि कम आया? कम आया, वो प्रॉपर उसकी वैलेंसी बनाओ। आप ऐसे गिन गिन के बनाओगे ना तो कभी सही होगा कभी गलत होगा, ऐसे CH3 लिख के बनाओगे तो परफेक्ट होगा। हाँ भाई फिफ्थ बताओ, इसके 25 आ रहे हैं, 23 और ये कितना आ रहा है? 0 आ रहे ना सबके 23। अब ये 6 7 8 9 ट्राई करो, क्या रहेगा बताओ, 6 का क्या रहेगा? 29 एंड 0। 7th का 12 0। 8 का 8 2। इसका आएगा 7 1 है ना। आया सबका ये आंसर?
दिख रहा है? आज पहली बार क्लास में कौन आया? फर्स्ट क्लास में। अच्छा, इतने सारे लोग फर्स्ट क्लास में आए हो? हनुमान जी की बेटी कौन है? अच्छा, तो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी है? तुमने लाइव देख ली? अच्छा, तुमने लाइव नहीं देखी होगी ना, तो ऐप पे जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, फिनिक्स पे जाके। और भाई महेंद्रगढ़ कैसे हो? ठीक हो? खाना वाना बढ़िया एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही खाने में? मिर्ची मसाला वगैरह ज़्यादा रहता है कम रहता है? महेंद्रगढ़ में तो वैसे ही मिर्ची ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादा नहीं खाते क्या? वहाँ तो यार मिर्ची और पेड़े वगैरह का बड़ा। अच्छा, तुम नहीं खाती? हाँ। और भाई तुम कहाँ से हो? आगरा से। वो पेठा होता ना आगरे का, उसका पेठे का जूस बनता है। कौन सा पेठा? कैसे बनाते हैं वो पेठा? होता ना फल आता है ना, उस फल से आगरा का पेठा बनता है, उस फल का जूस बनता है, जिसको बोलते हैं पेठे का जूस। वो बिल्कुल है ना, मतलब ऐसे ट्रांसपेरेंट लिक्विड वाइट टाइप होगा, वो होता है बेसिक। इतना बढ़िया होता है हेल्थ के लिए, किडनी वगैरह अंदर बॉडी में स्टोन क्लीनिंग वगैरह बहुत अच्छी करता है वो। तो जब भी आगरा जाओ उसका जूस बना के पियो, बढ़िया। हाँ, हेट्रो एटम हो, हमस कहीं भी जहाँ भी वो सिंगल ऐसा लाइन बनाएंगे ना अपन, वो सिग्मा बॉन्ड होगा, किसी का भी हो सकता है। कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन। जैसे वाटर में कितने सिग्मा बॉन्ड है? वाटर में, वाटर वाटर H2O दो हुए ना उसमें, HO और OH। हो गया 21 तक? हो गया 21? नहीं आया अभी। अरे यार, बेंजीन का पढ़ा था ना हमने, बेंजीन का क्या किया था हमने? ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड बनाए थे ना, तो ये हमारा 21 वाला नेप्थलीन है। तो इसको आप कैसे बनाओगे? पहले आप सिंपल दो रिंग बना लो, फिर आप क्या करोगे? ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड बनाने हैं आपको। ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। सपोज करो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, फिर एक छोड़कर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा पाई, फिर सिग्मा के बाद पाई, फिर सिग्मा के बाद पाई, ऐसे बनेगा। समझे आप? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 23rd पूछा जाए तो कितने पाई बॉन्ड हुए 21 में? 5 हुए ना उसमें। ऐसे 23rd में पूछा जाए कि बताओ कितने पाई बॉन्ड होंगे, बताओ कहाँ से स्टार्ट करें? कहीं से भी स्टार्ट करें। जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 7 पाई बॉन्ड हुए। आपको ऑल्टरनेट बनाने ऐसे पाई बॉन्ड। जब भी ऐसे सर्किल में लिखा हो डीलोकलाइज, मतलब आप ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड बनाओ। ऐसे 24th में बना के देखो। साथ आ रहे हैं? बोलो। 21st वाले में अगर हम लोग उसको ऊपर वाले को डबल बॉन्ड कर देंगे पहले, ऊपर वाले को मतलब लेफ्ट साइड में स्लाइड करेंगे, यहाँ पे नहीं इधर वाले, लेफ्ट साइड में जो स्लाइडिंग है ऊपर, हाँ
हाँ यहाँ पे लेफ्ट वाली रिंग या राइट वाली रिंग? लेफ्ट वाली में बॉट ऊपर वाले में लेफ्ट ये ऊपर वाले में लेफ्ट वाला एक मिनट ये ना एक ही बात है कहीं से भी स्टार्ट करो ना जैसे ये डबल बॉन्ड है तो नेक्स्ट छोड़कर ये डबल बॉन्ड फिर आगे जाओगे ये डबल बॉन्ड फिर ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड तो उतने ही रहेंगे नहीं नहीं उसमें कहाँ आ रहा है पेंटावेलेंट हो जाएगा ना तुम यहाँ बना लिया था बीच में नहीं बना सकते तुम कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी ना तो ये पाई बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट आ सकती है लेकिन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड उतने ही आएंगे समझे भाई डिस्कस करा है आंसर हाँ एक स्ट्रक्चर वो भी ले सकते हो वो बनेगा सेम ही अगर तुमने यहां से स्टार्ट किया ना पाई बॉन्ड यहां बीच में बना लो फिर इधर 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 एक ही बात है इनको है ना आगे जाके अपन बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो रेजोनेंस कॉन्सेप्ट में ही होता है वो पाई बॉन्ड डी लोकलाइज होते हैं घूमते रहते हैं ऐसे समझ लो घूम रहे हैं वो ऑल्टरनेट पोजिशन में हाँ भाई टेंथ का क्या आंसर रहा नाइन सिग्मा या नाइन पाई दोनों नाइन नाइन आए इलेवंथ का बताओ थ्री फोर ट्वेल्थ बताओ कितना थर्टीन का फोर्टीन टू फोर्टीन का इसका भी फोर्टीन टू ठीक है और बताओ 15 का 14 जीरो 16 कितना 12 वन 17 8 वन 18 11 टू 19 इसमें है ना ये वाला भी तो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड एक इसको भी तो काउंट करोगे ओवर एच तो सेवन हुए ना भाई थ्री तो ये हो गए कौन से सी एस थ्री वाले थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फंक्शन ग्रुप है बॉन्ड तो बॉन्ड है ना बॉन्ड किसी के भी हो सकता है तो इसका सेवन एंड वन और ट्वेंटीएथ का कितना आया इलेवन जीरो 21st बनाया 19 एंड 5 22nd का बताओ पहले आप 22nd का जो स्ट्रक्चर बनाया ना आपने उसमें आपने ऐसे बनाया होगा ना C डबल बॉन्ड O O H एसिड बनाया होगा ऐसे देखो ये बनाया ना तो कितना हुआ काउंट करो ये सब क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि आप प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के देखो उसको कितना रहा 15 आ रहा है ये बताओ कार्बन कार्बन बॉन्ड तो सात हो गए ना ये पहले कार्बन कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फिर ये कार्बन ऑक्सीजन वाला एट फिर ये नाइन और ये सीओ वाला एक टेन दस तो यही हो गए और फिर ये सी एच भी तो होंगे यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15. तो 15 हुआ है ना सिग्मा इसमें और पाई कितने हुए 4. समझे आप 23rd का निकाला 26 और दूसरा 7
24th का निकाला, स्ट्रक्चर क्या बनाया आपने? तो इसका आंसर वही है 26 and 7। अब एक क्विज करते हैं, तो बताओ आपको वीडियो पॉज करना है फिर आंसर सोचना है। तो पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है बताओ। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे बताओ, ये एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा एंड सिग्मा, 7 सिग्मा है ना। नेक्स्ट बढ़े आगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, ये जो है ये एक पाई है, यहाँ पे एक सिग्मा है, फिर एक पाई है और फिर एक पाई है, तो टोटल पाई कितने हुए भाई, 3 पाई। लैक्टिक एसिड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन लैक्टिक एसिड, ये होता है ना हमारा लैक्टिक एसिड, तो ये जो सी डबल बॉन्ड है ये भी तो एक पाई बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, एक। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इसे बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, ये 2 पाई, यहाँ पे भी 2 पाई, फिर ये 1 पाई, मल्टीपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और बाकी पाई, तो 9 तो पाई बॉन्ड हो गया ना इसमें। फिर सिग्मा कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और वो भी 9 है, दोनों 9 9 है। इसमें बताओ कितने पाई बॉन्ड है, ये 1 पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड, 2 हो गए। ठीक है, तो मैंने आपको ये सिखाया कि कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, तो आपको प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाने हैं, साथ में टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है, इसके बाद में जो एक टेस्ट लूँगा वो भी आपको अटेम्प्ट करना है, और फिर इसी टाइप से हम एक एक कॉन्सेप्ट के आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत।